फिलहाल भी आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है जो बिजली मंत्री हैं वो भी हरियाणा जो निवास है जो विधानसभा यहाँ पर बना हुआ है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उनकी तरफ से भी हम कमेंट लेने की कोशिश करेंगे। जेपी दलाल भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी कमेंट लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर विपक्ष के इन तमाम जो मुद्दे हैं जो उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से उनको जवाब देने को लेकर के क्या कुछ तैयारी जो है वो रहने वाली है और किस तरीके से इसका जवाब दिया जाएगा। और सीधे तौर से ये कह सकते हैं और इसी के साथ साथ अभी दो दिन की कार्रवाई जो है सदन के मानसून सत्र की जो है वो बस्ते हुए नजर आएगी और उसमें और भी मुद्दे ऐसे हैं जिसमें अगर हम खासतौर से अगर हम बात करें ऐसे भी मुद्दे हैं जिनको लेकर के हरियाणा निवास में जिस तरीके से पत्रकारों के बैठने को लेकर के व्यवस्था की गई है विधानसभा से बाहर, इस मुद्दे को भी विपक्ष के कई नेता जो हैं आज ट्वीट कर चुके हैं। इस मसले को भी जो विपक्ष के नेता हैं वो उठाते हुए नजर आएंगे सत्ता पक्ष के सामने। अच्छा, इसके पीछे की वजह जी जितेंद्र, जो बाकी जो तमाम जो पत्रकार हैं वो वहां क्यों नहीं पहुंच सकते हैं? तो अभी बिजली मंत्री रंजीत सिंह यहां पर हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, आज के दिन को लेकर के क्या कहना चाहेंगे सत्ता पक्ष को देखते हुए विपक्ष को देखते हुए? देखिए, पहला दिन था सेशन का और बड़ा अच्छा रहा। सरकार अपने तरीके से तैयारी हुए थे, विपक्ष अपने तरीके से जो उनका हमला करने की आदत है उससे थे। क्वेश्चन आवर था, सवाल पूछे गए, सवाल के सब रिप्लाई हुए, पूरा एक घंटा क्वेश्चन आवर था। श्रद्धांजलि करके कोई क्वेश्चन आवर बढ़ा दिया गया था। सेशन भी शाम तक 6:30 बजे तक चला और उसमें एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था जिसमें ये कहा गया था कि जो ट्यूबवेल कनेक्शन कितने अब तक के, कितने लोगों ने पैसे जमा कर दिए, कितनों के भरे गए हैं, उसमें हमारे जो थे मैंने उन्हीं का कॉल अटेंशन मोशन पढ़ के बताया था कि आपका ये मोशन है, उसका रिप्लाई उसमें था ये कि ट्यूबवेल कनेक्शन कितनों के पैसे भरे गए। वो हमने सारा उन्हें बता दिया, 2022 तक सारे क्लियर कर दिए जाएंगे, जून 2022 तक, और बाकी इसी साल में सब दे दिए जाएंगे। कई मुद्दे और रहे, किसानों का मुद्दा रहा, कोरोना का मुद्दा रहा, उसके आंकड़ों को लेकर के जहां थोड़ी जद्दोजहद देखने के लिए मिली, सवाल जवाब जो है देखने के लिए मिले, ऑक्सीजन की कमी मानी गई लेकिन इस बात को स्पष्ट तौर से नहीं माना गया कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है। देखिए, ऑक्सीजन की कमी से कोई ऐसा नहीं हुआ क्योंकि पहली बार ऐसा है, ये तो सदा एक इतिहास बन जाएगा, लोगों के सामने बड़े क्वेश्चन छोड़ के ये चला जाएगा, कभी कोविड का ऐसा मामला हुआ ही नहीं था और अनएक्सपेक्टेड था। अमेरिका में तो अब भी डेल्टा आ रहा है, रोज़ 1 लाख से ज़्यादा आदमी, 1.5 लाख आदमी रोज इफेक्टेड है, जो तीसरी लहर आई है, तो इसका किसी को अंदाज़ा नहीं था। पर सरकार ने अपने पूरे प्रयास करे, हर जगह जो सामाजिक संस्थाएं थी, लोकल डॉक्टर्स थे, RMP थे, सब ने लोगों को संभालने का बहुत अच्छा काम करा, हर लोगों ने बहुत कोऑपरेट करा। किसानों के मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे, एक बार फिर किसानों का मुद्दा गूंजते हुए नजर आया? देखिए, विधानसभा में चर्चा चला पर ये मामला तो सेंटर का है, जो कमेटी है, बीच में एक कमेटी बनी हुई है माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से। जितेंद्र, एक सवाल और पूछिएगा मंत्री जी से, अल्टीमेटली तो कि ऑक्सीजन को लेकर जो कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई है, तो जिन लोगों ने ये कहा, परिवार के लोगों ने, कि ऑक्सीजन की वजह से मौत हुई है हमारे किसी परिवारजन की, वो क्या झूठ बोल रहे हैं जनता के लोग? कुछ परिवार के लोग भी ये बात कहते नजर आए थे कि ऑक्सीजन कमी की वजह से जो है उनके जो परिजन हैं, उन्हें जो कोविड हुआ था वो ऑक्सीजन कमी की वजह से गए थे, लेकिन सदन में ये बात सामने नहीं निकल करके आई। देखिए, सदन में जो उन्होंने कहा और हमने कहा, CM साहब ने भी कहा था, बड़ा लंबा इसमें रिप्लाई था। ऑक्सीजन की कहीं कमी नहीं, पहले 2 दिन तो पूरे देश में हर जगह थी, पर ऑक्सीजन की कमी तो CM ने भी मांगी है, लेकिन उसकी वजह से मौत हुई है किसी की, इस बात को स्पष्ट तौर से नहीं माना। भैया, देखिए, नहीं मानते, कोविड में बहुत लोग, अब सब जगह ऑक्सीजन है फिर भी कोविड में डेथ हो रही है, अब भी रोज रिकॉर्ड पे हो रही है, ये कोई ये नहीं था कि उसकी वजह से, डॉक्टर्स और आपकी वैक्सीजन, ये वैक्सीन और आपका ऑक्सीजन ये सब दी जा रही थी, कोई दिक्कत थी। भी वही बात है सत्ता पक्ष की, ना सिर्फ यहाँ पर आपने सुना होगा कि इस प्रकार से कोई भी जो घटना है वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई है, हालांकि ऑक्सीजन होते हुए भी ऐसी घटना हुई, लेकिन आपने भी ठीक जिक्र किया कि कुछ परिजन भी इस बात को कहते नजर आए थे, हमने देखा था कि किस प्रकार से हॉस्पिटल्स के जो मैसेज हैं वो वायरल हुए थे, कभी भी इस प्रकार से मैसेज वायरल होते नहीं देखे, जब हॉस्पिटल्स ये कह रहे थे कि 2 घंटे के लिए ऑक्सीजन बची है, कहीं पर 4 घंटे के लिए ऑक्सीजन बची है, या फिर कुछ देर बाद ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, फिर कुछ परिजन भी इस तरीके के सामने निकल करके आए थे जिन्होंने ये कहा था। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी है जितेंद्र, इसमें एक चीज ये भी है कि जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई थी, आप बात कर ले कौन है आपके साथ, हाँ, और ये बात, ये सवाल जरूर पूछेगा कि क्या ये आसानी होगी सरकार के लिए जवाब देना कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई है, क्योंकि लोकसभा में ये कहा गया। जी, सवाल कीजिए। जी ठीक है, मैं ये कह रहा था कि जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई थी, लोकसभा में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई, हंगामा हुआ, तो लोकसभा में भी सरकार की तरफ से कहा गया कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई, तो इसलिए सरकारों के लिए, प्रदेश सरकारों के लिए आसानी होगी ये जवाब देना कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई।
देखिए नासिर, जो जो तमाम चीज़ें हमारे सामने खबरों के तौर पर आई हैं, जो लोगों के परिजन जो हैं वो विलाप करते हुए सामने नज़र आए हैं, जो लोग जो हमारे साथी पत्रकार जो उन जिलों के अंदर काम करते हैं, उन अस्पतालों से लगती हुई खबरें करते हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को गले नहीं उतार पा रहे हैं। क्योंकि इस प्रबंधन के दौरान में अगर हम बात करें तो चाहे वो पत्रकार हों, नेता हों या फिर और समाजसेवी हों, वो तमाम लोग भी इस प्रकार के प्रबंधन में लगते हुए नजर आए थे। इसमें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को लेकर के किस प्रकार की व्यवस्था हो इसकी व्यवस्था करते नजर आए थे। कृषि मंत्री जेपी दलाल हैं हमारे साथ, उनसे भी जानते हैं। किसानों का मुद्दा जो है वो एक बार फिर देखने के लिए मिला आज विधानसभा में, क्या कहेंगे? क्योंकि सीधे पहले आपसे इसी बारे में हमने एक चीज़ आज विधानसभा में किसानों की बात करते हैं विपक्ष के नेता, लेकिन हमने कहा कि भाई कानून के अंदर कोई कमी है तो आप चर्चा करो, उस मुद्दे पे वो चुप हो जाते हैं। तो वो सही कोई ऐसी चर्चा नहीं करना चाहते जिससे कि कोई सही मुद्दा हल हो, वो ये चाहते हैं कि किसान के नाम पे आंदोलन चले और कांग्रेस अपना हेतु पूरा कर पाए, ऐसा होने वाला नहीं है। और ज़्यादातर लोग जो है उन्होंने ही बैठा रखे, कांग्रेसी किसान बढ़ के बैठे हुए हैं और इस तरह से किसान के नाम पे राजनीति कंधे पे बंदूक रख के और सत्ता लेना चाहते हैं, वो संभव नहीं हो पाएगा। हमारा कोरोना के बड़ा महामारी का वक्त था, मौतें बहुत हुई हैं, हमें उसका दुख है। और जो हमारे से बन प्रयत्न हो सकते थे, चाहे वो ऑक्सीजन बेड बनाएं, दवाइयों का प्रबंध, वेंटिलेटर लगाए हैं या गरीब आदमी के खाने पीने का प्रबंध करें, हमने खूब कोशिश की है। और इस दौरान जो है अगर कहीं नहीं दिखाई दी तो कांग्रेस ही दिखाई नहीं दिए, वो सब छिपे हुए थे।